ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पठन में हार्दिक स्वागत है। हम चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के 6 श्लोक पढ़ चुके हैं और 6ठे श्लोक में भगवान की श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन्स में कह रहे थे कि भगवान की आत्मा या उनके गुण और शरीर में कोई अंतर नहीं है और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो ये प्रश्न करते हैं सभी कि फिर भगवान क्यों आविर्भाव और तिरोभाव होते रहते हैं। सो भगवान क्यों आते हैं संसार से और फिर जब उनकी लीला फिनिश होती है यहाँ से तो वे यहाँ से चले जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 7 में हमें बताएंगे। मुकम करोति वाचलम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुम दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत। श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यह श्लोक और इसके अगला श्लोक, जिसको सबको इसके थोड़ा थोड़ा तो इसके वर्ड्स पता ही हैं। तो इस श्लोक में भगवान इसका में हमें कहते हैं कि हे भरतवंशी, एक्चुअली अर्जुन को अनुबोध वो अनु कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं, यानी कि एज इट इज आते हैं जैसा उनका आदि रूप है। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें यानी कि 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। हम रिपीट करेंगे कि भगवान अपने कार्यक्रम के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे।
भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने और अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उन परिस्थितियों में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं, यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर और निम्न स्तर का होता है, अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट और अप्रकट होता है। श्लोक नंबर 8। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय मतलब उद्धार के लिए, तात्पर्य इसका अनुवाद है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवत गीता के अनुसार साधु यानी कि पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगाने वाले व्यक्ति भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना में हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए कहा गया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख और अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हों, यानी कि उनके पास बहुत सारी डिग्रीज, सांसारिक डिग्रीज हो सकती हैं, पर जिनमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति कुछ वो नहीं है, रुझान नहीं है, ऐसों को दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख और अधम कहलाया गया है। इसके विपरीत यदि कोई शत प्रतिशत कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इसके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण और कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, फिर भी उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनमें उनसे कृष्ण का को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए ही प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोक मध्य लीला के
20वें अध्याय के 263 और 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे सई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थान विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्ति अवशेष अवेश अवतार, मनवंतर अवतार और युग अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण यदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं, यानी कि सोर्स हैं, भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने में के विशिष्ट प्रयोजन में अवतार लेते हैं और उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने की के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर और ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं उपनिषदों, महाभारत और भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है, अपनी कॉजलेस मर्सी से उनको लिबरेट करता है। श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी और योगी जन पर्याप्त कष्ट और अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य रूप प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति और उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है और उसे इस संसार में लौटने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में 5.33 में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप और अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं फिर भी वे अद्वैय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों और ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसे कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवी नित्य लीलानुर भक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा।
एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद और भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में नहीं समय गंवाता, यानी कि जिसको बोलते हैं ड्राई स्पेकुलेशन, वह मुक्ति के चरम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, यह वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन में होती है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म और मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सकती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 इसका कोई प्रकल्प विकल्प नहीं है, यानी कि अर्थ नहीं है कि श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में कोई नहीं मानता और यह अवश्य ही तमोगुणी है। और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वता संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। श्लोक नंबर 10। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः भयवो ज्ञान तपसा भूता मद भाव मागता। आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया समय स्वतन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से प्रत्येक व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को जान लेना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। वो भगवान को एज ए व्यक्ति या पर्सन स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य और सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय और अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप से के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवाद पुरुषों के लिए विराट भौतिकवाद जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। बलबोध फलस्वरूप ऐसे भौतिक व्यक्ति पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकवाद में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के लिए विचार से डरते रहते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिगत और साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकर होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर मनुष्य में लीन हो जाता है।
वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत होते हैं, फलतः वे निराकार शून्य में तदाकर होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे व्यक्ति जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं। कूटने पर समुद्र भी नहीं रहता है, प्रत्येक पृथक सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्ति से रहित आध्यात्मिक जीवन की चरम सीमा है, सिद्धि है राधा। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते, अनेक वादों और दार्शनिक चिंतनों की विषय विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उब उठते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं और मुक्तवश एक निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कोई नहीं है। अतः प्रत्येक या क्रुद्ध हो जाते हैं और मुक्तवश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की परिणाम रुग्णावस्था में होते ऐसे लोग जो उनकी गुणावस्था में होते हैं, जो लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की और कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशवश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी ना किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनकी मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्था में छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय और जीवन की अदाशा से उत्पन्न जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम और विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। तो आध्यात्मिक जीवन की मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना है। वो तीनों अवस्थाएं क्या हैं? आध्यात्मिक जीवन के उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। भक्ति रसामृत सिंधु 1 दैट इज आदिल्ला के चौथे अध्याय के 15 से लेकर 16 श्लोक के अनुसार भक्ति का विज्ञापन विज्ञान इस तरह है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो संगोस्त भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति ही स्यायतो निष्ठा रुचिस्तत अध्यासक्ति भावस्त प्रेमाप्यु आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया ततो अर्था निवृत्ति स्या ततो निष्ठा रुचिस्तत अथा शक्तिस्तो ततो भावस्तत प्रेमाभ्युधनंचिति साध कामनाय प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार करने की इच्छा सामान्य होती है, यानी कि अपने को सेल्फ रियलाइज करने की, अपने आप को अपने पर्पस को समझने की इच्छा सामान्य होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित लेकर नवदीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के आदेश में भक्ति करते हुए वह सामान्य समझता है, भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और अपने आत्म साक्षात्कार की विस्तारता में आता है और वह भगवान कृष्ण के जीवन में
श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति पैदा होती है, जो भाव के और वह भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि में आगे चलकर कृष्ण भावनामृत से आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भागवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम से जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय और शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो हम आज का पठन हम यहीं इसको विराम देते हैं और अगली दफा हम यही नेक्स्ट श्लोक नंबर 11 चौथे अध्याय के 11 श्लोक नंबर 11 से अपनी रीडिंग जारी रखेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मोक्षदा एकादशी भी है और आप कोशिश कीजिए, चाहे एक श्लोक या एक भगवद गीता, मतलब किसी भी रूप में आप भगवान का संदेश दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हरिओम तत्सत। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।